अब हम आए हैं पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर कम्प्यूटर के कौन कौन से होते तो पार्ट होते हैं तो बेसिकली उसके थ्री मेन पार्ट्स होते हैं कीबोर्ड सी एंड मॉनिटर कीबोर्ड क्या होता है इनपुट यूनिट होता है सी प्रोसेसिंग यूनिट होता है मॉनिटर आउटपुट यूनिट होता है इनपुट यूनिट यानी हम कीबोर्ड्स की हेल्प से कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन डालते हैं सी प्रोसेस करता है वो इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर डिस्प्ले करता है दिखाता है इसलिए कीबोर्ड को इनपुट कहा जाता है सी को प्रोसेसिंग कहा जाता है मॉनिटर को आउटपुट यूनिट कहा जाता है तो आप देखेंगे कीबोर्ड कीबोर्ड इज़ ए इनपुट डिवाइस विच हैज़ अल्फाबेट, नंबर स्पेशल सिंबल फॉर एंट्रिंग इंफॉर्मेशन इन साइड द कंप्यूटर आपने कीबोर्ड में तो देखा होगा इस तरह का होता है जिसमें अल्फाबेट्स होते हैं नंबर होते हैं स्पेसिफिक सिंबल होते हैं ताकि हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डाल सके अब कीबोर्ड का अगर आप बेसिक जानना चाहते हैं तो कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर आप सबको ये पता है कि सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर का टाइप्स ऑफ की ऑन अ कीबोर्ड अब इसमें अलग अलग टाइप की जो कीज होती है तो उसके बारे में है जो की एक अल्फ़ाबैट की होती है जिसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं न्यूमेरिक की होती है जिसमें नंबर्स होते हैं कर्सर्स की तो आपको पता ही है और सिंबॉलिक की जिसमें सिंबल्स बने हुए होते हैं स्पेशल कीज होती है फंक्शंस के ऊपर होती है अब देखिए अल्फाबेट कीज जिसमें अल्फाबेट होते हैं दिस की रिप्रेजेंट अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड आर यूज फॉर टाइपिंग एनी टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर सम ऑफ द अल्फाबेट की यू कैन सी हियर एंड नेक्स्ट इन न्यूमेरिक की द न्यूमेरिक स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू नाइन दे हैव द फॉलोइंग फॉर्मेट यू कैन सी ये न्यूमेरिक की का फॉर्मेट होता है नाउ कर्सर की कर्सर की इज अ साइन विच अपीयर ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर वेर एन कैरेक्टर्स टू बी टाइप आप लिखते हो तो आपने देखा होगा कि एक ब्लिंक होता रहता है वो कर्सर की होता है द कर्सर की आर यूज टू चेंज द पोजीशन ऑन द कर्सर ऑन द स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर दे हैव द फॉलोइंग फॉर्म अभी देखो ये जो अप कैसर की है यूज़ फॉर मूविंग कर्सर अप इसकी हेल्प से हम उसको ऊपर लेके जा सकते हो लेफ्ट कैसर की का ऐसे सिंबल यूज़ फॉर मूविंग द कर्सर लेफ्ट एंड डाउन कैसा की यूज़ फॉर मूविंग द कर्सर डाउन एंड राइट कर्सर की यूज़ फॉर मूविंग द कर्सर राइट इसकी हेल्प से हम राइट में जा सकते हैं अब आप बोल रहे होगे कि सिंबॉलिक कीज क्या होते हैं तो आपने देखा होगा जैसे ये न्यूमेरिक की के ऊपर जो सिंबल्स बने होते हैं उनको हमको जैसे एंटर करना है तो हम ये सिंबॉलिक की हेल्प से कर सकते हैं तो सिंबॉलिक की रिप्रेजेंट सिंबल यूज फॉर स्पेशल ऑपरेशन दिस इंक्लूड द फॉलोइंग यू कैन सी कि ये सारी की कौन कौन सी है सिंबॉलिक की अब इसके नीचे लेकिन ये है कि इसको हमको शिफ्ट की के साथ यूज़ करना पड़ता है और प्रेजिंग दिस की द कैरेक्टर विद बिलो आर प्रिंटेड एंड वैन प्रेज विद गीदा अबर कैरेक्टर इज डिस्प्ले ना वी विल गो टू स्पेशल कीज़ स्पेशल कीज़ कौन सी होती है दिस कीज़ आर यूज़ टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन सम ऑफ द स्पेशल कीज़ आर इंसर्ट दिस की यूज टू इंसर्ट एनी टेक्स बिफोर एनी मैटर ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर स्कीप की यूज़ टू कैंसल एनी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन अगर आपको कोई भी चीज़ को कैंसिल करनी है तो आप स्कीप की ईजीली कर सकते हो एंड द की यूज़ टू स्टोर एनी टाइप मैटर इन द कंप्यूटर मेमोरी जैसे आपने टाइप किया आप आपको नेक्स्ट में देन यू कैन प्रेस एंटर कैप्स कैप्सलॉग कीज यूज़ टू स्विज टाइप मोड टू कैपिटल लेटर आपको कैपिटल लेटर में करना है तो आप कैप्स लॉक कैप्सॉग से इजीली कर सकते हो फंक्शन की देखिए तो देखिए द फंक्शन कीज़ आर यूज़ टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन दिस कीज स्टार्ट फ्रॉम एफ वन टू एफ टू वेल्व जो होती है ये फंक्शन कीज होती है तो के बारे में हमने सब समझ लिया है अब हम जाएंगे सी पी ओ के बारे में देखने के लिए सी पी ओ का फुल फॉर्म क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर दिस इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो द सी पी ओ और द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज़ यूज टू प्रोसेस डेटा इनसाइड द कंप्यूटर ये क्या कहता है जो भी आपने इंफॉर्मेशन पुट की है डाली है तो उसको प्रोसेस करता है कंप्यूटर के अंदर इट हैज़ सी यूनिट्स एस कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट इसकी भी तीन यूनिट है, है एक कंट्रोल यूनिट है एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है एक मेमोरी यूनिट है और जो स्क्रीन आपको जो मॉनिटर दिखता है तो ये भी देखो इसका क्या है ये डिस्प्ले करती है इंफॉर्मेशन को द स्क्रीन इज आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्यों क्योंकि डिस्प्ले कर रही है बता रही है आपने सारी जो इंफॉर्मेशन डाली थी एंड गिव द आंसर इज रिक्वायर बाय द यूज़र और वो यूज़र के अकॉर्डिंग आंसर देती है इट इज़ ऑल्सो नॉन एज विजल डिस्प्ले यूनिट और मोनिटर देर आर टू टाइप काइंडस ऑफ मोनीटर मोनोक्रो मोनीटर कलर मोनीटर मोनोक्रो मोनिटर क्या होता है डिस्प्ले द आउटपुट इन ब्लैक एंड वाइट फॉर्म एंड कलर मोनीटर होता है डिस्प्ले द आउटपुट इन डिफरेंट कलर्स ओके बहुत ईजी है अब ये माउस के बारे में देखेंगे हम द माउस इज इनपुट डिवाइस माउस भी क्या होता है इनपुट डिवाइस होता है आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके हेल्प से भी हम इंफॉमेशन इंसर्ट in, uh, करते हैं इट हेल्प्स इन मूविंग द कर्सर फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑफ द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर हम इसके हेल्प से कर्सर को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे लेके जाते हैं ऑन द अपर सरफेस ऑफ माउस देर आर टू बटन फॉर क्लिकिंग और आपको देखो यहाँ पे दो बटन दिखाई देते हैं ऑन द क्लिक करने के लिए द माउस इज़ ड्रैग ऑन अ फ्लैट सर्फेस टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन और हम माउस को किस पे घुमाते हैं एक फ्लैट सर्फेस पे घुमाते हैं ताकि हम पॉइंटर जो भी है स्क्रीन पे उसको मूव कर पाए अब हम स्पीकर पे आते हैं स्पीकर क्या आउटपुट डिवाइस है क्यों क्योंकि ये भी ऑडियो दे रही है बाहर दे रही है स्पीकर इज ए आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर यूज़ टू गिव द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो राइट नाउ प्रिंटर प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है क्योंकि वो भी हमको दे रहे हैं इंफॉर्मेशन पेपर पे ए प्रिंटर इज ए डिवाइस विच प्रिंट द आउटपुट ऑन द पेपर दिस फॉर्म ऑफ आउटपुट इज नोन एज ए हार्ड कॉपी